तो ये फ्रेंड ब्लॉग रिव्यू का तीसरा वीडियो है। इसमें देखने वाले हम लोग हर्ष अग्रवाल को, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका जर्नी है। और ये सक्सेसफुल एक इंडियन ब्लॉगर हैं, SouthMeLoud.com। SouthMeLoud का मतलब होता है मुझे जोर से चिल्लाओ। तो आइए शुरू करते हैं इनका जर्नी कि इन्होंने कैसे अपने ब्लॉग को शुरू किया। और ये दोस्तों इनका जर्नी शुरू हुआ था एक एक्सीडेंट से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे मालूम चलेगा इनका फैक्ट। और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप ब्लॉगिंग पे आना चाहते हैं या फिर वेबसाइट के थ्रू आप चाहते हैं अर्निंग करना, ऑनलाइन चाहते हैं अर्निंग करने के लिए, तो इनके जर्नी से काफ़ी कुछ हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनका पर्सनल इन्फो, ये यूपी से बिलोंग करते हैं एंड डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1987। एजुकेशन की बात करें तो ये आईटी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और इन्होंने जब अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया तभी इनको प्लेसमेंट जो है मिल चुका था। ये लिखते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी में इनका प्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद ये फिर ब्लॉगिंग की दुनिया में आए, और 2008 में इन्होंने अपना पहला एक ब्लॉग बनाया और वो था ब्लॉगस्पॉट पे। ब्लॉगस्पॉट जो कि आज गूगल का प्रोडक्ट है, तो उसी पे इन्होंने अपना पहला ब्लॉग बनाया 2008 में। और अमित अग्रवाल को आप जानते होंगे, तो अमित अग्रवाल ने 2004 में ब्लॉगिंग को शुरू किया था। अमित अग्रवाल को भी लेकर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अमित अग्रवाल के 4 साल बाद जो है इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू किया। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम में यही लोग जो हैं टॉप पे हैं। SouthMeLoud जो इनका ब्लॉग्स है उस पर पूरा इन्होंने डिटेल्स में लिखा हुआ है अपने जर्नी को लेकर कि कैसे कैसे इन्होंने शुरू किया। तो इस प्रकार से जॉब और ब्लॉगिंग जो था इनका इंटरेस्ट था, तो इसको भी ये पार्ट टाइम करते थे। लेकिन इनके लाइफ में दोस्तों एक घटना हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, और ये लिखते हैं कि यहीं से वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गए। June 28, 2009 में इनका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट दोस्तों ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था, और इसमें इनका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो चुका था। ये लिखते हैं दोस्तों अपने ब्लॉग्स में, डॉक्टर टोल्ड मी आई कुड नेवर वॉक अगेन। तुमने हमेशा हमेशा के लिए पैर को खो दिया है और अब तुम कभी भी नहीं चल सकते। और ये सुनकर दोस्तों कोई भी पर्सन हो और वो एक अर्ली एज पे खड़ा हो तो काफ़ी ज़्यादा उसको शॉक्ड लगेगा। तो यहाँ पर भी ये अमित अग्रवाल के लिए काफ़ी एक डेंजरस सिचुएशन था। एंड 6 से 7 महीना बेड रेस्ट के बाद उनका सर्जरी हुआ, पैर का सर्जरी हुआ, और उसके बाद जो है वो फिर से मतलब अपने आप को स्टेबल कर पाए। और उसी टाइम में मतलब 2 से 3 महीना बाद ही उन्होंने सोच लिया था, क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि मैं कंपनी तो फिर से ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, तो अपने आप को जो है वो पूरा का पूरा जो है डेडिकेट कर दिया था ब्लॉगिंग पर। तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट है कि देखिए, जब भी आप किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं या फिर कोई भी आपने प्लानिंग किया है, तो वहाँ पर एक टॉपिक को लेकर और पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को आप लेकर चलें, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उस पर आपको सफलता 100% मिलता है, और सही टाइम पर सही डिसीजन आपके रास्ते को आसान कर देता है। तो इस प्रकार से हर्ष अग्रवाल को ब्लॉगिंग पर आए हुए, आई मीन ब्लॉगिंग शुरू किए हुए 3 महीना हो चुका था, लेकिन उससे एक पैसा भी नहीं उनको मिला था। और 3 महीना बाद जो है उनको $10 अर्निंग हुआ, और वो भी एडसेंस से नहीं। उन्होंने एसईओ किया था किसी फ्रीलांसर का, और वहाँ से उनको $10 का अर्निंग हुआ था 3 महीने के बाद। लेकिन अभी भी दोस्तों SouthMeLoud का जन्म नहीं हुआ था, आई मीन SouthMeLoud जो है शुरू नहीं हुआ था। वो अलग अलग डोमेन नेम पर ब्लॉगिंग वो ट्राई कर रहे थे, और फिर दोस्तों बाद में लास्ट में इन्होंने वर्डप्रेस पर अपने आप को सेटल किया, और जो वहाँ से डोमेन नेम को परचेस करना चाहते थे, लेना चाहते थे, वो अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ से इन्होंने एक SouthMeLoud का टेक बनाया, और यूनिक सा ये लगता है, और बिल्कुल भी ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपका डोमेन जो है यूनिक है, आपका कंटेंट अगर यूनिक है, तो वहाँ पर वायरल होने का चांसेस जो है या फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी यूनिक था SouthMeLoud। लास्ट में बात करेंगे दोस्तों कि ये पर मंथ कितना अर्निंग करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जिस कॉलेज से इन्होंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया था, डिग्री किया था, वही कॉलेज जो है इनको इनवाइट करता है, और वहाँ से इनको अवार्ड मिलता है। एंड उसके बाद ये देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, और इंडिया में अमित अग्रवाल के बाद इनका ही नाम आता था। और सिर्फ इनको इंडिया से ही इन्विटेशन नहीं आ रहा था, बल्कि ये कई अलग अलग देश में भी गए, और वहाँ पर भी समझिए अपने आप को इन्होंने प्रेजेंट किया ब्लॉगिंग की दुनिया में।
तो कई चीज़ें हैं दोस्तों इनके लाइफ से, इनके जर्नी से सीखने वाला, कि जो डॉक्टर इनको कह दिया था कभी भी नहीं चल पाइएगा, और वहाँ से इन्होंने अपने आप को जो है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टू किस तरह अपने आप को स्टेबल किया, और फिर ब्लॉगिंग का जो यहाँ पर वैल्यू जो है, इसका जो एक फील्ड जो है वो कितना बड़ा है, मैं इनका एस्टिमेटेड अर्निंग आपको बता दूं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हर्ष अग्रवाल का मंथली जो इनकम है वो है ऑलमोस्ट $50,000 से। आप समझ सकते हैं यहाँ पर $50,000 पर मंथ है। इंडियन रुपीस में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 35 to 40 lakhs के बीच में। तो 35 to 40 lakhs जो है इनको पर मंथ आता है southmelodge.com से। और एक्चुअली इनका कंटेंट क्या होता है, तो ये ब्लॉगिंग सिखाते हैं और ये अलग अलग कोर्सेज को भी बेचते हैं अपने वेबसाइट पर, तो यहाँ से भी इनको इनकम होता है। तो ये इनकम अलग है दोस्तों। तो इस प्रकार से जितने भी लोग जो हैं ब्लॉगिंग पे आना चाहते हैं, वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, शायद वो थोड़ा इससे मोटिवेट हुए होंगे। और ऐसे हज़ारों लोग हैं दोस्तों जो ब्लॉगिंग से जो हैं काफ़ी बढ़िया इनकम कर रहे हैं। हर संडे को आपको एक ब्लॉग रिव्यू मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।